हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। बच्चों से रिलेटेड मैं आज आपसे बात करूँगा कि कोई और ख्याल रखे तो अलग बात है, लेकिन बच्चे अपने आप से तो ख्याल रख नहीं पाते हैं, तो वहीं पर बच्चों को परेशानियाँ सामने आने लगती हैं। उससे रिलेटेड मैं आज आपको एक ऐसी टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपके लिए हेल्थ से और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो डेली मिलती रहती है। तो चलिए आज की अपनी हेल्पफुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, बच्चे के बॉडी में पेन होता है, पूरी अगर बॉडी में पेन हो रहा है, बच्चा कहीं मतलब जैसे बच्चों की जो होता है बता तो पता नहीं है, बच्चा अगर कहीं पर आप गोदी ले रहे हो तब रो रहा है, उसके साथ साथ अगर बुखार भी बना हुआ है तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जो मैं आज का प्रोडक्ट लेकर आया हूँ वो मेरे पास है एसिक्लोफिनेक एंड पैरासिटामोल सस्पेंशन, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्वांटिटी बात कर लेता हूँ, कंपोजिशन तो ईच 5 ml के अंदर, 5 ml के अंदर इसके अंदर एसिक्लोफिनेक 50 mg है और पैरासिटामोल 125 mg है। पैकिंग दिखा देता हूँ मैं साथ के साथ, बाकी आगे बाद में बात करेंगे, इसकी सारी जानकारी और बताएंगे। ये पैकिंग रहती है बेहतरीन, थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करने से पहले इसको हिला लेना होता है, कैप साथ में आती है, डोज बता दूंगा मैं आपको। तो देखिए इस पर साफ साफ लिखा रहता है कि मतलब पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैं आपको हमेशा बताता चला आया हूँ कि पैरासिटामोल की ज़्यादा डोज, डेली डोज के हिसाब से ज़्यादा डोज लेने पर आपके लीवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इस पर भी ये मेंशन किया रहता है, जब आप परचेस करेंगे पैरासिटामोल की किसी भी आप टैबलेट ले लें, आप सिरप ले लें, सब पर वो कंपनी मेंशन करके देती है। वही मैं आपसे आप बात कर लेता हूँ देखिए इसके साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट कोई नज़र नहीं आते हैं बच्चे के लीवर साइड इफेक्ट, बच्चे की किडनी पे भी कोई नज़र नहीं आता, बच्चे की ना ही कोई लीवर पे साइड इफेक्ट नज़र आता है, ना ही बच्चे को सुस्ती होने के चांस नज़र रहते हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि डोज़ की, तो देखिए डोज बच्चे को आप 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे को, ये आप 4 साल तक के बच्चे को इस्तेमाल कर सकते हैं, डोज मैं बता दूंगा आपको। अब बात कर लेते हैं देखिए इस्तेमाल, मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी में बच्चे के पेन हो रहा है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी अगर पेन हो रहा है, साथ के साथ बुखार बना हुआ, तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसकी कंपनी की, तो ये मेरे पास जो है वो हेल्प लैब का है और नई कंपनी है, लेकिन एसिक्लोफिनेक पैरासिटामोल के साथ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना के ये उस कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसकी डोज की, तो देखिए अगर आपके बच्चे की ये 6 महीने की है तब आप इसकी 2.5 ml की डोज देंगे, सुबह 2.5 ml, दोपहर 2.5 ml, शाम, साथ में कॉम्बिनेशन आप कोई सा भी बना सकते हैं, जैसी बच्चे को परेशानी लग रही है आप उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लें, चाहे वो एंटीबायोटिक की बात करें, चाहे खांसी जुकाम की बात करें, या और भी कोई परेशानी, जैसी परेशानी है उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बना लें। मैंने सारी वीडियो अपने चैनल पर दे रखी है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ, अगर जैसे मान लीजिए अगर आपका बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का है, तब आप इसकी 5 ml की डोज देंगे, 3 टाइम आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा नहीं देनी है जैसे मैं आपको बता रहा था, फिर वहीं साइड इफेक्ट देखना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसकी लास्ट में MRP की, तो ये मेरे पास जो है 60 ml का सिरप है, 62.50 रुपये का है। ये आपको हो सकता है आपके एरिया में ना मिले, लेकिन आप ये फार्मूला जो है ना एसिक्लोफिनेक एंड पैरासिटामोल, ये आप इसका पढ़ के और ध्यान से किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छे ब्रांड का परचेस कर लें। और ये सिरप जो होते हैं, आपको ऐसी कुछ चीज़ें जो मैं बताता हूँ, जो चीज़ें आपको घर पर रखना होती हैं, किसी टाइम पे भी बच्चे को ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये आप इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखना, बच्चे का बुखार जो है जल्द से परेशानी ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा आप एक और सीरप मैं वीडियो दे चुका हूँ आयुजैसिक प्लस के नाम से, आप लोग उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, वो भी एक बेहतरीन काम करने वाला सिरप होता है। आयुजैसिक अलग काम करता है, लेकिन आयुजैसिक के हटके अगर आप कोई और परचेज करना चाहते हैं तो आप ये इस्तेमाल ज़रूर करना। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ के साथ अपने भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं ना बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें, ओके बाय।